मोदी से पहले निराशा था, मोदी के बाद आशा है. दिस इज द चेंज दैट नरेंद्र मोदी जी हैज ब्रॉट टू द कंट्री इन द लास्ट 10 ईयर्स. अध्यक्ष जी, इससे पहले भी देश में कई सारे सरकारें थे, सरकारें आए सरकारें गए, पर जो देश के बड़े बड़े समस्याएं थे उसका समाधान नहीं हुआ था. क्योंकि जो पॉलिटिकल कल्चर था देश में वो ये था कि जो भी समस्याएं थे उसको समाधान ढूंढने के बजाय वो समस्याओं को पोस्टपोन करने का जो प्रक्रिया था वही ज्यादा सरकार ने किए थे. मैक्सिमम एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स अर्लियर वर टू पोस्टपोन द प्रॉब्लम्स एंड नॉट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. बट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज दैट दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट दैट हैज शाइड अवे फ्रॉम रिजॉल्विंग डिकेड्स एंड सेंचुरीज ओल्ड प्रॉब्लम्स. दिस इज अ गवर्नमेंट दैट डज नॉट बिलीव इन पोस्टपोनिंग प्रॉब्लम्स, बट दिस इज अ गवर्नमेंट दैट बिलीव्स इन रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स. दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट. मल्टीपल एग्जाम्पल्स. फॉर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स द कंट्री वेटेड फॉर अ डिसिसिव एक्शन ऑन कश्मीर, ऑन आर्टिकल 370. But multiple governments that came took no action and the country was literally bleeding by 1,000 cuts. पर जो 70 साल से नहीं हुआ था उसको इसी सरकार ने इसी टर्म में आर्टिकल 370 को दुरुस्त करकर 70 साल के समस्या को हमने समाधान दिया. लगभग 40 साल से अधिक समय से अपने करोड़ों करोड़ों जवानों ने ओआरओपी का हक मांग रहा था, बट ओआरओपी का समस्या भी ऐसे ही पोस्टपोन होते जा रहा था. 40 साल के समस्या को भी ओआरओपी का समाधान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, अपने सरकार ने किया है. कारगिल युद्ध के समय के बाद से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने का मांग देश में था. लगभग 20 साल से यह मांग भी पोस्टपोन होते जा रहा था. सरकारें आई सरकारें चली, बट इंडियाज डिमांड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड क्रिएशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट मेट. बट इसका भी समाधान नरेंद्र मोदी के सरकार में हुआ और आज मल्टीपल थिएटर्स में, मल्टीपल फ्रंट्स में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ इफ इंडिया कैन आंसर द एक्सटर्नल एफर्ट्स एंड अटैक्स, इट इज बिकॉज वी क्रिएटेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. कई सारे जो नॉर्थ ईस्ट के समस्याएं थे, वो नागा अकॉर्ड हो, बोडो के इश्यू हो, मिजोरम के इश्यू हो, मणिपुर के इश्यू हो, बांग्लादेश से जुड़े हुए लैंड अग्रीमेंट हो, ये सभी इश्यू 70-70 साल से पेंडिंग था. आज नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम अपने प्रदेशों में आज शांति के व्यवस्था आज हो चुके हैं, तो इसका समाधान भी नरेंद्र मोदी के सरकार के समय में हुआ. इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, ये तो 50 साल 70 साल 40 साल का समस्या था. 500 साल से देश के समाज, देश के हिंदू समाज, भारतीय समाज अयोध्या के राम मंदिर इश्यू को सॉल्व करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए वो प्रतीक्षा में थे. और ये कहते हुए गर्व है कि हम सब के वोट के वजह से जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार सत्ता में आई, इस सरकार के प्रयासों से 500 साल के जो अपने प्रतीक्षा थे वो भी समाप्त हो गए और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गए. सो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग गवर्नमेंट. सो मोदी जी आने से पहले समस्या थी और मोदी के बाद समाधान है. ये बिफोर मोदी और आफ्टर मोदी के फर्क है. अध्यक्ष जी, इस सरकार के सबसे बड़ा जो उपलब्धि है, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज द फैक्ट दैट वी हैव लिफ्टेड 25 करोर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी. और अध्यक्ष जी, इस ये जो अचीवमेंट है इसका ह्यूमन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो पता चलता है कि ना यूरोप में, ना चीन में, ना यूनाइटेड स्टेट्स में
इतने बड़े आबादी को इतने कम समय में गरीबी से बाहर आने का ले आने का काम विश्व के इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार जो हुआ है वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ है। और मेरे से पहले जो राजेंद्र अग्रवाल जी बात कर रहे थे, स्पीकर साहब बात कर रहे थे, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। अध्यक्ष जी, अपने सरकार आने से पहले तक देश के मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन के पास एक बैंक अकाउंट तक नहीं था, और जब देश के जनता के पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं होता है तो वो गरीबी से बाहर कैसे आ सकता है, देश के फॉर्मल इकोनॉमी से कैसे वो जुड़ पाता है। और पिछले 10 साल में हम 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़कर हम फॉर्मल इकोनॉमी के माध्यम से उनको भले करने का, गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किए। एंड व्हेन समबडी गेट्स कनेक्टेड टू द बैंकिंग सिस्टम अध्यक्ष जी, इट इज वेरी नेचुरल दैट दे गेट इंट्रोड्यूस्ड टू अ लॉट ऑफ अदर फॉर्मल प्रोडक्ट्स। देश में इंश्योरेंस का जो कवरेज था, परकोलेशन जो था, वो अत्यंत कम था, पर ये जनधन अकाउंट में लगभग 50 करोड़ जनता जुड़ने के बाद इंश्योरेंस का भी कवरेज देश में ज्यादा हो चुका है। वो आयुष्मान भारत हो सकता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो सकता है, या 20 रुपए में जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जी के मिल रहा है वो हो सकता है। ऐसे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को देश के एलीट वर्ग टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, ऐसे कई सारे इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को पहली बार देश के गरीब तक पहुंचाने का काम अपने सरकार ने किए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। अध्यक्ष जी, अपने पहले टर्म में जो पिछले 75 साल के 70 साल के जो कमियां थी उसको हम सुधार किए। मोदी जी के सेकेंड टर्म में आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, या आज ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल भी हमने पेश किए हैं, ऐसे जो अपने कोर आइडियोलॉजिकल एजेंडा थे उसका भी काम करने का काम दूसरे टर्म में हमने किए। और आने वाले दिनों में और मोदी जी के तीसरे टर्म में विकसित भारत का फाउंडेशन जो है और एस्पिरेशनल ड्रीम्स को फुलफिल करने का काम भी इस सरकार ने करेगा। दिस इज द मैसिव चेंज दैट द कंट्रीज पॉलिटी हैज सीन इन द लास्ट 10 ईयर्स। इसलिए देश के युवा कह रहे हैं, मोदी से पहले देश में गरीबी था, मोदी के बाद देश में समृद्धि है। बिफोर मोदी देर वॉज पॉवर्टी, आफ्टर मोदी देर इज प्रॉस्पेरिटी। दिस इज द चेंज द मोदी गवर्नमेंट हैज सीन इन द लास्ट 10 ईयर्स। अध्यक्ष जी, ये गरीब कल्याण रेवड़ी बांटने से नहीं हुआ है, ये गरीब कल्याण गरीबों को सरकार के ऊपर परावलंबित करने से नहीं हुआ है, पर मोदी जी देश के गरीबों को आत्मनिर्भर करने का, स्वावलंबन करने का एक नया तरीके के साथ मोदी जी ने काम किए। मैं आपको अध्यक्ष जी एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश का भी ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। ये क्या है मोदी जी के विजन, मोदी सरकार के इकोनॉमिक अप्रोच और बाकी पार्टियों के अप्रोच में फर्क क्या है? इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो नए स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मोदी जी ने लॉन्च की है, यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम देखे हैं अध्यक्ष जी, पिछले 2-3 जनरल स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक चुनाव से पहले जनता के पास ये जा रहे हैं और वादा दे रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट हम फ्री देंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये रेवड़ी बांटने का काम ये कर रहे हैं, और सरकार में, सरकार के ऊपर गरीबों को निरंतर अवलंबित करने का काम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पर मोदी जी अवलंबित करना नहीं चाहते, परावलंबी उनको करना नहीं चाहते, स्वावलंबन करना चाहते। इसलिए पीएम सूर्योदय योजना में हमें गरीब के
घर पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, सब्सिडी देंगे, उनको ताकत देंगे. नॉट ओनली दैट ही कैन सेव 200-300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बिकम फ्री, बट ही कैन ऑल्सो अर्न एडिशनल मनी बिकॉज ऑफ दैट सोलर रूफटॉप. ये अपने इकोनॉमिक अप्रोच में फर्क है. हम गरीब को गरीब रख के उनको वोट बैंक बनाकर करियर से अपने पॉलिटिकल फायदा उठाने का सोच भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार नहीं करते हैं. हम गरीब को स्वावलंबन आत्मनिर्भर बनाकर उनको ताकत देने का काम पिछले 10 साल में हुआ है. इसलिए देश के युवा कह रहे हैं मोदी से पहले गरीब परावलंबी था, मोदी के बाद देश के गरीब स्वाभिमानी है और देश के गरीब आत्मनिर्भर है. दिस इज द डिफरेंस बिफोर मोदी एंड आफ्टर मोदी. अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ देश के इतिहास में लगभग पिछले 70 साल में मोदी से पहले देश में जो राजनीतिक परिभाषा था सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को लेकर, वो इतना परवर्टेड हो चुका था, इतना उसमें अडल्ट्रेशन आ चुका था कि उसका जो मूलभूत विचार था, संविधान के जो मूलभूत विचार था, वो ही अडल्ट्रेट हो चुका था. द परवर्टेड डिस्कोर्स ओवर द लास्ट 6 डिकेड्स बाय परवर्टिंग एंड अडल्ट्रेटिंग द वेरी डेफिनेशंस ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म इन द कंट्री, टू बिग losses the country had to face by a perverted definition of secularism. The country culturally lost a lot, and by a perverted communication commentary of socialism, the country lost economically. Main ek do udaharan hi dena chahta hu adhyaksh. Kyun itne samay tak, azad hone ke baad 70 saal tak, kyun itne bade sankhya mein garib desh mein the? क्या कर रहे थे पिछले इतने सरकारों में? जितने भी सरकार आए वो वेल्थ क्रिएटर्स को, उद्यमशीलता को हम एनकरेज ही नहीं किए. अभी अभी एक दो महीने पहले इंफोसिस के नारायण मूर्ति जी ने एक इंटरव्यू में बोले कि जब वो इंफोसिस शुरू किए और जब इंफोसिस के लिए कंप्यूटर यूएस से इंपोर्ट करने के लिए वो प्रयास किए, वो सिर्फ कंप्यूटर्स इंपोर्ट करने के लिए दिल्ली को लगभग 50 बार आना पड़ा और 3 साल लगा 50 कंप्यूटर अमेरिका से इंपोर्ट करने के लिए. इस प्रकार के एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी देश में इन लोगों ने जारी रखे थे. उसके वजह से देश के युवा ना एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, देश के इकोनॉमी ना इंप्रूव होता था. इस प्रकार का एक 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 शैकलिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट देश में हुआ था. बट आज मोदी जी आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम दीज फेटर्स, दीज शैकल्स, दीज चेन्स दैट हैड केप्ट द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट ऑफ द कंट्री टाइड, दीज हैव बीन रिमूव्ड. एंड एज अ रिजल्ट 100 से ज्यादा जो अपना स्टार्टअप तब थे, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स देश में हैं और देश को समृद्ध बनने के काम में आज के स्टार्टअप्स हैं.